रिबॉलिंग का जो वीडियो शायद थोड़ा मिसिंग हो गया, तो मैंने इसको रिबॉल कर लिया ऑलरेडी। अगर आप देख पाइएगा तो रिबॉल क्या है, वही बोर्ड है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो इसको ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ कि उस टाइम पावर की प्रेस या फिर डीसी मशीन की वजह से मैं कुछ चेक नहीं करा पाया, तो मैं इसको भी लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया, तो उसके लिए आप लोगों से सॉरी चाहता हूँ मैं। लेकिन नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा तो कोशिश रहेगा कि प्रॉपर बनाने का। फिलहाल मैं इसको प्रॉपर बनाने की कोशिश करता हूँ, ये जो वीडियो हमारा है। शायद नीचे रहता है पूरा, मैं ऑलरेडी भी खाली चेक करा देता हूँ, फिटिंग उतना उस तरह से नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझे भी फिटिंग करना है इसको पूरा, तो मैं ये जैक लगा लेता हूँ इसके अंदर। और ऑन ऑफ का जो जैक है उसको भी लगा लेता हूँ। और डिस्प्ले का जो पत्ता है उसको लगा लेता हूँ। और बैटरी को अब लगा लूँ थोड़ा सा। बैटरी को लगा लिया और नॉर्मली हम लोग देख लेंगे इसको। ये हमारा आईफोन चालू होता है कि नहीं, लेकिन नहीं होगा तो दोबारा से हमें रिबॉल करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं, पहले एक चार्जर लगा के इसको देख लेते हैं नॉर्मली कि हमारा जो आईफोन है वो चालू होता है कि नहीं। तो बैटरी लो बता रहा है यहाँ पे, और फोन हमारा चालू हो चुका है, अगर देख पाइएगा तो। बैटरी लो हो गया या फिर देख लेते हैं, नो सिम कार्ड अवेलेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो अभी का वीडियो यहीं तक है, तो फ़ोन हमारा चालू हो चुका है, बाकी हमने फिटिंग नहीं किया है, आप देख सकते हैं सेम है जो भी है। और मिडिल का जो वीडियो थोड़ा मैं स्किप कर दिया वाला, तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।